हमारी विक्ट्री हुई है और इस स्ट्रगल को आगे भी इन फ्यूचर जब ज़रूरत होगी तो हम अकॉर्डिंगली अपना प्लान करेंगे, लेकिन आज की डेट में जो है गवर्नमेंट ने ये हमारी मांगें मान ली है और आप जो है तुरंत फौरी तौर पे खुद को प्रिपेयर करके इमीजिएटली जो है सेफ्टी मेजर्स लेके, पूरे सेफ्टी मेजर्स लेके, कोई भी हड़बड़ाहट में ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी रेस्टोरेशंस को जिस तरीके से आप धैर्य पूर्वक इनिशिएट करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट अभी आप ऐसा फील करेंगे कि नहीं आप पे कोई एक्शन, आप आराम से सेफ्टी मेजर्स के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, आराम से जान और माल के नुकसान ना होने पाए इसका भी ख्याल रखें और रेस्टोरेशंस पूरे जम्मू में और कश्मीर प्रोविंस में, मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर का साथ जो है इस एजिटेशन के साथ था, मेरे कश्मीर के जो भाई पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग वहाँ जुड़े थे, सभी तमाम यूनियंस का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, मेरे प्रेसिडेंट माजिद साहब वहाँ पे थे उनका मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, जो नासिर साहब थे, बाकी जो हमारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन, डिप्लोमा इंजीनियर्स यूनियन, यहाँ पे वहाँ पे दोनों तरफ के जो हमारे चिनाब वैली के लोग थे, रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह के लोग थे, किश्तवाड़ के जो लोग थे, उधमपुर, कठुआ, सांबा, विजयपुर, इन सभी लोगों ने हमारी जो ये वर्क बाइकआउट प्लान था उसको कामयाब बनाया और हिस्ट्री क्रिएट हुई, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट जो है ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से जो है लोगों को कोई दुश्वारियों का सामना फेस, जो तमाम लोग थे चाहे वो डेली वेजर से लेकर चीफ इंजीनियर, ये एग्रीमेंट पहली बारी इतिहास में जम्मू कश्मीर की जो जनता है ये देखेगी, जिसमें हर एक लेवल के लोगों के जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया गया डेली वेजेस के इशू के लिए, बिल्कुल डेली वेजेस के इशू पे भी हमने ये कमिटमेंट लिया है कि जो इनकी डीपीसीज हुई हैं उनमें जो है फर्दर जो है टाइम बाउंड तरीके में ऑर्डर्स इशू। सर सरकार को जो मैंने अभी डिवीजन साहब से पूछा कि फर्दर इस तरह की सिचुएशन ना आए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय भी नहीं चाहता कि पब्लिक सफर करे, और अगर पब्लिक को सफर करना पड़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि जे एंड के यूनियन टेरिटरी और जो अस्वाइल स्टेट भी है, यहाँ पहली बारी मैं बताना चाहता हूँ, शैलेंद्र दुबे जी हमारे दुबे साहब जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन थे, ये और अभी भी चेयरमैन के हैसियत से यहाँ पे आए और जो 15 से 20 स्टेट्स ने हमें सपोर्ट दिया, अनरिलेंटिंग सपोर्ट, आज भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का सपोर्ट, आज भी बार एसोसिएशन जम्मू का सपोर्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सपोर्ट, व्यापार मंडल्स का सपोर्ट, मतलब मैं कहता हूँ पब्लिक ने इतना कोऑपरेट किया कि इट्स वॉज अनइमेजिनेबल, मेरे को कहीं से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पब्लिक हमारे साथ नहीं है, ये एक ऐतिहासिक स्ट्रगल था और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हर एक इंसान ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, स्पेसिफिकली मैं दुबे साहब के लिए कहूँगा कि इतनी दूर से ही हमारे लिए यूपी से स्पेशली कैंप कर रहे थे यहाँ पे ताकि हमारी जो टॉक्स है वो फ्रूटफुल डायरेक्शन में जाएं और ऑब्जेक्टिव मैनर में हम।